तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं ऑटो से, और देखो भाई यहाँ की सड़क देखो यार, एकदम कच्ची सड़क है। अली माई बिताऊला जीवन, कालो किस मारे अली माई बाधे कोरी बनाओ, तिमलाई हृदय अली माई बिताऊला जी। फाइनली गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं प्रॉपरली ऊनकोटी, तो भैया से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो भैया है तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग जाएंगे ऊपर, और यहाँ पर लगता है कुल मिला के 108 सीढ़ी होगी। तो फिलहाल चलो 108 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं अभी ऊपर, और इन लोग तो आगे स्टैंड है, स्टैंड से मोबाइल एकदम गिर गया था, तो हालात एकदम अभी टाइट हो चुकी है हमारी। बारिश और पीयूष भाई देखो भाई साहब। तो गाइस गुड मॉर्निंग, और आज यहाँ पर एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो फिलहाल गाइस आज अभी हम लोग हैं जो कोयला शहर है, कोयला शहर की एक टाउन सिटी के एक होटल पे। तो फिलहाल अभी हम लोग होटल पे ब्रेकफास्ट वगैरह करके, खाना वगैरह प्रॉपरली खाते, होटल को चेकआउट करके हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, और यहाँ से निकल के हम लोग जाएंगे जो ऊनकोटी है, जिस चीज को हम लोग देखने के लिए आए थे। शाम को फिर से रिटर्न भी करना पड़ेगा घर पे, और इसलिए जल्दी से आज ट्रेन भी पकड़ना पड़ेगा कुमारगढ़ से। तो फिलहाल जो जो काम है हम लोगों को, जो जो देखना है जल्दी से करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी आज का ट्रेन मिस हो सकती है। तो फिलहाल चलो ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं हम लोग ऊनकोटी। तो फाइनली गाइस हम लोग होटल से चेकआउट करके अभी आ चुके हैं रोड पे। तो फिलहाल यहाँ पर गाड़ी नहीं मिल रही है, तो इसके कारण हम लोग यहाँ से 1 किलोमीटर होगा, तो अभी हम लोग 1 किलोमीटर तक पैदल जाएंगे, और पैदल जाने के बाद हम लोग जाएंगे जो कोयला शहर की बस स्टेशन है, बस स्टेशन पे जाएंगे, एंड जाने के बाद वहाँ से बस पकड़ के हम लोग जाएंगे सीधा ऊनकोटी। तो फिलहाल चलो चलते हैं बस स्टेशन, और फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से 1 किलोमीटर भाई पैदल चल रहे हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग ले चुके हैं ऑटो। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं ऊनकोटी पे। तो फिलहाल हमारे साथ ऑटो पे एक भाई है, तो फिलहाल ये देखो इस भैया का है ये ऑटो। तो फिलहाल अभी हम लोग ऑटो पकड़ के सुबह सुबह अभी जा रहे हैं ऊनकोटी पे। तो चलो जाते हैं ऊनकोटी, एंड जाते हुए देखते हैं रोड का नजारा। कैले हसो कैले आसू पिरती को खेला, आई पिरती को खेला, कालो कुमारेली माई पीपालू हाजी मा जय पारू नारेली। तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं ऑटो से, और देखो भाई यहाँ की सड़क देखो यार, एकदम कच्ची सड़क है, और हम लोग कुछ इस तरह की जगह से अभी जा रहे हैं, और भाई इतनी फिसलन है मैं बोल के बता नहीं सकता यार, बहुत ही ज्यादा फिसलन है। और भाई भी का भी सही ड्राइवर है, तो अभी हम लोग उधर के भैया को भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो फिलहाल चलो चलते हैं, और हम लोग अभी जा रहे थे ऑफ रोडिंग करते हुए, और आसपास का जो नजारा है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। धक्का लगाना पड़ेगा भाई, इधर आ जा। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं प्रॉपरली ऊनकोटी, और हमारे साथ इस भैया आए थे ऑटो से। तो फिलहाल तो भैया से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो भैया है यहाँ के ऑटो, और भैया खूब अच्छी ऑटो चलाता है, और भैया रोड एकदम बेकार वाली रोड थी, एकदम ऑफ रोड थी, सारे रोड पे मिट्टी वगैरह कीचड़ थी, लेकिन भैया बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ चला के आई है। तो फिलहाल ये देखो गाइस सामने है ऊनकोटी का गेट, तो अभी हम लोग जाएंगे अंदर, एंड जाने के बाद भाई फुल मौज लेते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो चलो जाते हैं अंदर। तो फिलहाल गाइस ऊनकोटिया की एक बहुत ही अच्छी चीज लगी है, एक बहुत ही अच्छी बात, जो कि ऊनकोटी के अंदर जब आप भी आते हो तो आपको कोई भी टिकट वगैरह नहीं देना पड़ेगा, टिकट वगैरह के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो फिलहाल फुल फ्री कह सकते हो। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, और ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि फ्री है भाई, और अगरतला में आप कोई भी पार्क वगैरह कुछ भी देखने के लिए जाते हो आपको एंट्री फी ज़रूर देना पड़ेगा, और फिलहाल सिर्फ आप लोग यहाँ पर आके आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, और कितने जने यहाँ पर आए हो वो सब
एक नोट पे एंट्री देने के बाद ही आप लोग बिना पैसे कुछ दिए हुए अंदर जा सकते हो, तो ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और पीछे देखो हमारे इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। और पीछे चेक करेगा इस पीछे तो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं ऊनकोटी के बिल्कुल अंदर, मतलब कि ऊनकोटी के जो अंदर आ चुके हैं अभी। तो फिलहाल गाइस पीछे देखो गाइस पीछे, तो जिस चीज को देखने के लिए हम लोग अगरतला से ऊनकोटी आए थे तो ये है, पीछे देख सकते हो महादेव। और ये पाथर मतलब कि स्टोन पे बना हुआ है, ये जो देख रहे हो ये मूर्ति फिलहाल ये महादेव का मूर्ति है। तो इसको देखने के लिए अभी हम लोग अगरतला से ऊनकोटी आए थे कल, और फिलहाल गाइस इसको देख के यार क्या बताऊं। तो फिलहाल यहाँ की जो मूर्तियाँ है उसके दर्शन वगैरह लेते हैं, एंड लेने के बाद गाइस आप लोगों को सिनेमेटिक चेक कराते हैं, एंड इसके बाद ऊनकोटी का मतलब है, और गाइस मैं बता देता हूँ इसका नाम ऊनकोटी क्यों है। तो यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ बनी हुई है जो स्टोन पे 1 करोड़ से एक कम है, तो इसलिए इसको ऊनकोटी कहा जाता है। 1 करोड़ से एक कम यहाँ पर देवी देवता की जो मूर्ति बनी हुई है। तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं इसको देखते हुए नीचे, और नीचे एक वाटरफॉल भी है, तो फिलहाल आप लोगों को वाटरफॉल भी दिखाएंगे। और भाई साहब यहाँ से क्या व्यू आती है भाई, और आप लोग अगर यहाँ पर नहीं आते हो तो इस जगह का अंदाज़ा आप लोग नहीं लगा पाओगे कि कितनी खूबसूरत है। तो फिलहाल अभी हम लोग नीचे चलते हैं, एंड नीचे चलने के बाद वाटरफॉल भी है तो वाटरफॉल भी देखेंगे, एंड देखने के बाद गाइस आप लोगों को भी दिखाते हैं संग संग। तो चलो चलते हैं, एंड जाने के बाद वाटरफॉल का साउंड आई थिंक मुझे लगता है आ रहा है, तो फिलहाल चलो चलते हैं। और बाकी के सारे दोस्त अभी पीछे पीछे आ रहे हैं, और ये लोग तो देख के एकदम हक्का बक्का हो गए कि क्या देखने आए हैं हम लोग। तो फिलहाल गाइस चलेंगे अभी नीचे, एंड नीचे जाने के बाद नीचे का भी सीन आप लोगों को दिखाते हैं। फिलहाल गाइस अभी हम लोग जाएंगे ऊपर, और यहाँ पर लगता है कुल मिला के 108 सीढ़ी होगी, तो फिलहाल चलो 108 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं अभी ऊपर। और इन लोग तो आधे, और यार हम ब्लॉक करते टाइम यार हाथ से मतलब कि मेरा जो स्टैंड है स्टैंड से मोबाइल एकदम गिर गया था। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, तो चलो जाते हैं ऊपर, और मुझे लगता है यहाँ से 108 सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम लोग 108 सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, और फिलहाल देखो ये सीढ़ियाँ कितनी ऊपर तक जाती है गाइस, और हालात एकदम अभी टाइट हो चुकी है हमारी। तो फिलहाल अभी चलो चलते हैं ऊपर। तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग 108 सीढ़ी उठने में लगे हैं। तो फिलहाल ये लोग देखो गाइस पीयूष भाई की हालत देखो, मोबाइल फोन हाथ में लेकर SMS से बात करते करते ऊपर उठ रही है भाई, और अभी हम लोग पूरी थक गए हैं एकदम, और 108 सीढ़ी भाई कम नहीं है। और फिलहाल देखो कितनी ऊपर अभी हम लोग अभी आ चुके हैं, और फिलहाल कितनी नीचे देखो यहाँ से नजारा। ये लोग दौड़ रहे हैं भाई। तो फाइनली गाइस बहुत देर तक हम लोग ट्रैक करके अभी कुछ इस तरह की लोकेशन पे आके पहुंच गए हैं, और गाइस यहाँ का जो नजारा है बहुत ही खूबसूरत है गाइस। और देखो आकाश भाई फिलहाल एक बहुत ही बड़ी पत्थर के ऊपर उठ के फोटो खिंचा रही है, अगर गिरे ना एकदम नीचे गिरेंगे भाई, और नीचे एकदम खाए है। तो फिलहाल अभी हम लोग कुछ इस तरह की जगह पर आ चुके हैं, और गाइस यहाँ का नजारा देखो गाइस बहुत ही खूबसूरत है नजारा। तो फिलहाल अब अभी हम लोग इस नज़ारे को एंजॉय कर रहे हैं और खूबसूरत इस जगह को देख रहे हैं। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग आए थे इस जगह से खूबसूरती को देखने के लिए, और यहाँ पर देखो गाइस पूरी बारिश आ चुकी है गाइस, और बारिश का जो यहाँ से आंखों से जो देखने के लिए जो सीन दिख रहा है ऐसे आप लोगों को कैमरा पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है अभी बारिश। और पीयूष भाई देखो भाई साहब, पीयूष भाई देखो यार पूरा पागल हो गया है भाई खुशी से। और बारिश देखो, अगर आप लोग ऐसी जगह आते हो और बारिश होती है भाई बहुत ही ज्यादा अलग सीन होती है। और पीयूष भाई देखो पूरी यार भीग रहे है अभी, और बारिश का सीन देखो गाइस यहाँ से बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। तो चलो अभी हम लोग भीग रहे हैं, तो इसलिए अभी हम लोग तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं एक सुरक्षित जगह पर, क्योंकि बारिश बहुत आ रही है अभी, देखो गीले गीले हो रखे हैं हम दोनों।
तो फिलहाल आकाश भाई और बोलाराम भाई सामने जा चुके हैं, तो फिलहाल अभी हम लोग भी जाते हैं सामने। जाने के बाद थोड़ी देर बाद अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो फिलहाल गाइज अभी हम लोग गए थे ऊपर और ऊपर से नजारा देख के अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, और अभी कुछ देर में अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। इसलिए निकल जाएंगे क्योंकि हमारी ट्रेन मिस हो सकती है, तो इसके कारण हम लोग जल्दी से निकल जाएंगे यहाँ से। तो इस तरह से ज़्यादा हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तो फिलहाल अभी हम लोग जल्दी से चले जाएंगे। और ऑटो वाले भी हमारे लिए वेट कर रहे हैं, ऑटो वाले का कॉल आया था कि जल्दी से आ जाओ, तो हम लोग इसलिए यहाँ से चले जाएंगे अभी। तो फिलहाल हमारे नीचे ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, और इसी नज़ारे को देखते अभी हम लोग चले जाएंगे। और भाई साहब इतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाए, समय की वजह से टाइम बहुत कम है, नहीं तो हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो वापस किसी दिन आएंगे, आने के बाद ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग जाएंगे उस तरफ, उधर ऊपर, ऊपर जाने के बाद ऑटो लेंगे, ऑटो लेने के बाद हम लोग जाएंगे जो रेलवे स्टेशन कुमारगढ़ जाएंगे। जाने के बाद हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो फिलहाल जल्दी से चलो थोड़ी और नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर जाएंगे, इसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। तो चलो चलते हैं। फिलहाल अभी हम लोग उस उधर से ट्रैक करते करते इधर से नीचे से आते हुए, और इधर से भी हम लोग अभी और बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। तो फिलहाल बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, तो वापस किसी दिन आएंगे। और अभी भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी भूख भी लगी है, तो फिलहाल अभी जाएंगे। जाने के बाद कुछ जो कुमारगढ़ है, कुमारगढ़ पे जाने के बाद कुछ खाना वगैरह खाते हैं, खाने के बाद रेल स्टेशन पे जाएंगे, रेल पकड़ेंगे, घर जाएंगे। और फिलहाल इसी ट्रिप में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और सभी का हाल एकदम बेहाल हो चुका है। तो फिलहाल अभी हम लोग देखो गाइस कितने ऊपर उठ रहे हैं अभी। तो फिलहाल चलो चलते हैं, और बहुत थक गए हैं, लिटरली गाइस बहुत थक गए हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग ऊपर तक आ चुके हैं, और ऊपर तक आते आते एकदम सांस फूल रही है, एकदम ऐसा लग रहा है कि जान अंदर से निकल जाएगा। तो जो ऑटो वाले भैया थे वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो आप देख सकते हो हमारे सामने है ऑटो वाले भैया। तो फिलहाल चलो चलते हैं।